जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? नहीं मैडम सर, आपका मदद नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हम खुद कर लेंगे। मदद मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी करिश्मा सिंह। लेकिन मदद करने से आप बड़ी हो जाएंगी ना मैडम सर। आज तक आप यही तो करती आई हैं, मदद करके बड़ा हो जाना, सामने वाले को छोटा कर देना। करिश्मा सिंह, आप गलती आपकी नहीं है, गलती आपके इस जिद्दी मिजाज की है जो आपको कभी भी कोई भी चीज समझने ही नहीं देता। नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए मैडम सर। इससे पहले ना हम गुमराह थे। हम बहुत अच्छे से एक चीज समझ गए हैं कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है और हर आईना सच नहीं दिखाता। ये आप ही को समझ कर समझा हमने मैडम सर। बस कीजिए करिश्मा सिंह, हर चीज की एक हद होती है और आप मुसलसल उस हद को पार करती जा रही हैं। और आपके हद का दायरा कौन तय करेगा मैडम सर? आपके हद में और कितने छल और कितने धोखे लिखे हैं। बस कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। वाह क्या बात है, सितारे बदल गए, नजारे बदल गए, फिजाएं बदल गई, हवाएं बदल गई, इतने दिनों में सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो बस आप दोनों ठीक वहीं उसी जगह उसी बिंदु खड़ी हैं जहां हम पिछली बार छोड़कर गए थे। वही तेवर, वही दुश्मनी, वही अकड़, वही नफरत। अफसोस हम तो यह भी नहीं कह सकते कि इतने दिनों के बाद आप दोनों से मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। वैसे अपने कार्यालय बुलाया था हमने आप दोनों को, और वहां आने के बजाय आप दोनों बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ रही हैं। माफ कीजिए, हम लड़ नहीं रहे हैं। करिश्मा सिंह की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है, हम उसी गड्ढे से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए नहीं। मदद करना मतलब मदद करना होता है, नीचा दिखाना नहीं, छल करना नहीं, धोखा देना नहीं। और अब हम हमारे साथ कोई भी छल नहीं होने देंगे। आप तो यही कहेंगी, आप तो शुरुआत से हमें गलत समझती आई हैं। हमने हमेशा आपको सही समझा है मैडम सर। बस शोभा देता है आप दोनों को इस तरह टीनेज लड़कियों तरह लड़ते हुए? हो क्या गया आप दोनों को? सॉरी सर, सॉरी सर। आप जानती हैं आपके आपसी झगड़े के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं और बदनाम हो रहा है पूरा पुलिस विभाग। हास्य का पात्र बनकर रह गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके इन बचकाने मतभेदों के कारण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एसआई करिश्मा सिंह और एसएचओ हसीना मलिक, जल्द से जल्द आपके आपसी मतभेद सुलझाइए और अपने अपने तरीके से अपना अपना थाना चलाइए और एक दूसरे के रास्ते में आना बंद कीजिए, वरना मजबूरन हमें आप दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपका तबादला शहर के बाहर ही हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए आजीवन खेद रहेगा आप। समझ गई आप दोनों? जी सर। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या चल रहा है? ये आपके जो भाई आए हुए हैं ना, ये डांस सिखा रहे थे सबको। ये थाना है, कोई डांस स्टूडियो नहीं है जो यहाँ पे डांस चल रहा है सबका। और आप हो गया थाना आपका काम, क्या करने आया आप हमारे थाना में? अरे दीदी, वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था।
किस बात के लिए? वो मेरा दोस्त है ना, उसने अपना नया नया रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि किसी लोकल सेलिब्रिटी के हाथों ही उसके रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो। तो बस तभी ख्याल आया, इतने नेक काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है दीदी? हमारा टोपा होगा, ये सब काम हमसे नहीं होता है। अरे दीदी, दीदी प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त के लिए कितने बड़े ऑनर की बात है, अपने हाथों से आप उसका इनॉग्रेशन करेंगे। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं, और वो हसीना मैम, हसीना मैम, वो मतलब आपके बारे में जब गलत बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कितनी डेडिकेटेड है और आप जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बस दीदी उसी के लिए मैं और मेरा दोस्त आपके फैंस बनकर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं दीदी। नहीं वो तो बात सही है, है ना? देखो 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 इसके एक और चीज है, मेरा ना एक सोशल मीडिया चैनल भी है। अब वो मेरा चैनल जितना बड़ा तो नहीं है, हाँ लेकिन फेमस बहुत है। आफ्टर ऑल मैं सोशल मीडिया रीच माना जरूरी है तुम्हें, बहुत फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर हूं मैं दीदी। 1.5 से 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे, और प्लानिंग है हमारी दीदी, ये जो कवरेज है ना हम पूरे चैनल पे दिखाएंगे दीदी। इस चैनल के थ्रू सबके सामने जो सम्मान जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करती हैं मैं वो दूंगा आपको, पूरे दिल से दीदी, पूरे दिल से। ये पूरा कवरेज पूरा शहर देखे और जाने कि करिश्मा जी की बैड पब्लिसिटी के बावजूद भी हम फैंस उनको कितना प्यार करते हैं पूरे दिल से। अरे हमारी असली हीरो जो है वो सिर्फ करिश्मा जी ही है। और दीदी एक और बात, मैं सिर्फ आप ही को इनवाइट करने के लिए नहीं आया हूं, आपकी पूरी टीम को इनवाइट करने के लिए। बस आप मना मत कीजिएगा दीदी, प्लीज दीदी। ठीक है अब दीदी मना मत कीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं दीदी को मना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ कब मना करेंगे। नहीं दीदी को मना, आ जाएंगे तुम्हारे दोस्त का जो भी इनॉग्रेशन है, आ जाएंगे उसके लिए। ठीक है अब जा सकते हैं। थैंक यू। ए ए भाई ये अपने डिस्को बाजा ले जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, उस दिन भी बजाया ना पार्टी में। थैंक यू। हेलो हेलो सर, करिश्मा जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया सर। ओके बहुत अच्छा, अब आएगा मजा खेल का। मैडम सलम ने रईस को फोन करने की बहुत कोशिश की मगर वो फोन ही नहीं उठा रहे, अब उसे समझाने के लिए आप थाने कैसे बुलाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना पुष्पा जी, हम उसे थाने नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं, हमें ही उसके पास जाना होगा। मैडम सर चलते हैं ना नवाब के हवेली पे, वहीं पर मिल जाएगा वो रईस। हाँ ये सही रहेगा, हम तैयार होकर आते हैं। पुष्पा जी हम केस के सिलसिले में जा रहे हैं नवाब साहब का हाथ मांगने लें। वैसे मैडम सर हवेली जाके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि नवाब साहब ने कहा था ना कि कई कई दिनों तक उनका बेटा हवेली पे वापस आता ही नहीं है, और अगर आता है तो कुछ घंटे आराम करता है और फिर वापस चला जाता है। संतोष जी ठीक है, इसका मतलब हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी, सबसे पहले रईस की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ठीक है संतोष शर्मा आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए, चीता चतुर्वेदी रईस के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके मालूमात हासिल कीजिए, बिल्लू चंपत अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। क्लियर? जय हिंद मैडम, किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हम सब कर दिया हूँ, ऑनलाइन रिसर्च, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, खबरियों से जानकारी, सब कर दिया है आपका एक खादिम। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, आपसे बिना पूछे कर दिया हूँ। कहा है ना मैडम, हमको बाकी पुलिस वालों की तरह बैठा बैठा कुर्सी तोड़ने का आदत नहीं है। अच्छा बड़े नेक ख्याल है आपके मिस्टर बुलबुल पांडे, बताइए इतनी मेहनत करके क्या पता चला आपको? कहा है ना मैडम, हमें पता चला है कि छोटा नवाब रईस एक जाना माना सोशल इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स है उसके, अपना खुद का चैनल चलाता है यो यो जिंदगी नाम से, खाने पीने का पार्टियों का वीडियो बना बना कर डालते रहता है। मेरे खबरी नेटवर्क से पता चला है कि आज शाम को उसका किसी दोस्त का रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, तो आज शाम को रईस वहां पे मिलेगा, वो आप जाइएगा। एक्सक्यूज मी पांडे जी, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो
का है ना बिल्लू चंपत, ये पुलिस का खबरी है, चोरों का नहीं है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा के बेच देंगे। बुलबुल वांडे जरा आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, वो थोड़ा जबान फसल गया था। वैसे खबर एकदम पक्का है, इस बात का गारंटी है मैडम। तो ठीक है फिर, रईस से अब मुलाकात इस इनॉग्रेशन में ही होगी। पुष्पा जी अब तैयार हो जाइए। ये बात, अब आएगा मजा। अरे हमको तो अभी से करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के टकराने का धमाका सुनाई दे रहा है। बूम। थैंक यू मैम, आइए। काफी बढ़िया। अरे अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। थैंक्स, थैंक यू सो मच। एक सेल्फी। वो आपके लिए कुछ लाए खाने? नहीं बात नहीं। दीदी जी? हाँ हाँ मैडम सर, यही वो रेस्टोरेंट है जिसका पता बुलबुल पांडे ने दिया था। क्या कर रहे? क्या मतलब है? हमने उद्घाटन किया इस जगह का, हमने रिबन काटा है। आंखें संभालिए, गिर जाएंगे। पुष्पा जी क्या मतलब, हमें बुलाया है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में? आप इतना हैरान काहे हो रही है, इतना भौचक्का क्या हो रही है आप? आपको पता है एक बार ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि ऊपर वाले आप भी कभी हंसते हो क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम दो बातों पर बहुत हंसते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कौन सी वो दो बातें हैं, तो ऊपर वाले ने बताया कि एक जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है, और दूसरा तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग उसे गिराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए कौन। आप बताइए पुष्पा जी, आप कैसे आई हैं यहाँ? हम एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत? पुष्पा जी करिश्मा सिंह को बताइए कि हम जरा ऑफ ड्यूटी हैं, सिविल ड्रेस में हैं, और ऑफ ड्यूटी हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। फिर वो क्षेत्र किसी के भी अंतर्गत क्यों ना आता हो, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैडम सर हम रईस से मिल ले? जान सकते हैं आप रईस से काहे मिल रहे हैं? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन हम ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मैडम सर वो आ ही रहा है। बताइए। तो मिस्टर रईस हम थोड़ा अकेले में शांति में बैठकर बात कर सकते हैं? जरूर। सुनो बात समझने की कोशिश करो, तुम ये जो उधार की जिंदगी जी रहे हो ना, आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो तुम। कौन सी मुश्किल, कैसी बातें कर रही? मेरी लाइफ में जो मर्जी कर। योलो। क्या योलो? योलो मींस यू ओनली लिव वंस। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, यू नो। देखो रईस, जिंदगी जीने में और बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है, थोड़ी सी बचत करके रखना जरूरी है, आगे जाकर तब जिंदगी में तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, शांति से बीतेगा। कम ऑन कैसी बातें कर रही हो? वो शेर सुना आगा, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 200 बरस का है, कल की कोई खबर नहीं। अरे यार कल का कुछ पता नहीं, अब बुढ़ापे की बातें करें, व्हाट नॉनसेंस है, कम ऑन। अच्छा तब ये शेर सुन, तू जीने के जुनून में अपना हुनर ही भूल गया, जिंदगी तो रह गई पर तू जीना भूल गया। वाह मैडम सर सही जवाब। अगर तुम इसी तरह उधारी की जिंदगी जीते रहोगे ना, तो तुम्हारी बची हुई उम्र सिर्फ उसे चुकाने में बीत जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय चुकाने में? एक्सक्यूज मी, मेरे ऊपर किसी का कोई उधार नहीं। तो हमारे महिला थाने से जो पैसे ऐठे थे वो उधार चुकाने के लिए तो ऐठे थे ना। ये ऐठे ऐठे क्या लगा रखा है आपने? अपनी जगह का किराया लिया था मैंने, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, हाँ पूरा हकदार हूँ मैं, और उन पैसों का मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ये मैं आपको क्यों बताऊंगा? मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ,
क्योंकि मैंने वो पैसे डोनेशन में दिए। डोनेशन में दिए? कब, कहाँ, किसे, हम जान सकते हैं? करिश्मा दीदी के थाने को। करिश्मा दीदी, एक सेकंड, जरा बताइए। हाँ? मैंने आपको डोनेशन दिया ना? हाँ जी, बिल्कुल दिया। बताइए। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ का कहाँ फायदा है इसमें मैडम सर? डोनेशन हमें दिया है, हमारे पास रसीद है, और डोनेशन लेना कोई बुरा बात तो नहीं है। एक बात बताओ मिस्टर रईस, सारे थाने छोड़कर तुमने इन्हीं के थाने में डोनेशन क्यों दिया? अच्छा अच्छा, ये दिक्कत हो गया कि हमारा थाना का है, आपका थाना का है? नहीं भैया, बताओ हमारा थाना का है। क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं करिश्मा दीदी को। और तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम साफ साफ झूठ कह रहे हो। ये हाँ, आपको लगेगा मैडम सर ऐसा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि है ना, आपने ज्यादा इज्जत दे दिया ना हमको। उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनसे ज्यादा किसी को इज्जत मिल जाए, किसी का ज्यादा सम्मान ज्यादा हो जाए उनसे ज्यादा, ये सब पसंद नहीं है आपको। करिश्मा सिंह, आप बात समझने की कोशिश करिए, ये जरूर कुछ छुपा रहे। क्या छुपा रहा हूँ मैं? जो सच है वही तो बोलो। तमीज से बात करो मैडम सर से, बताओ क्या छुपा रहे हो? डैड के पैसों को मैंने डोनेशन में दे दिया, तो मैंने क्या गलती कर दी? हाँ, क्या प्रॉब्लम की आपकी यार? नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो था ना, बाद में बात करते हैं। एक मिनट। पुष्पा जी, आपके पास कोई वारंट है, चार्जशीट, कोई रिपोर्ट, कोई FIR? करिश्मा सिंह, आप थोड़ी देर के लिए हमारे बीच की प्रॉब्लम को भूल जाइए। आप एक पुलिस वाली हैं, आप जानती हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, आप जानती हैं कि वो छुपा रहा है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप अच्छे से जानते हैं अंदर तक ये भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर, हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है, और फिलहाल हमें जो सही लगता है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमें ये लड़का बिल्कुल सही लगता है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हम भी देखते हैं रईस का कोई कैसा कुछ बिगाड़ता है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए। बाजी आप जा सकती हैं। चलिए पुष्पा जी। दीदी, थैंक यू। पर एक बात कहूँ आपको, अभी तो ये लोग चले गए, लेकिन फिर दोबारा मेरा पीछा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। अम्मा, तुम ठंडा पियो और हमारे ऊपर छोड़ दो सब। ओके, थैंक यू। पता था कि हमारे नवाबजादे को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पुष्पा जी, अरे खच्चर पे चाहे ज्ञान ला दो या सामान, अरे गधे के लिए तो वो बोझी होगा ना। हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। पुष्पा जी, हमें किसी सहारे की सख्त जरूरत है। नवाब साहब। पुष्पा जी, देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेंगे ना। निकल आया पुष्पा जी, ना कि हम अपने साहबजादे को ना अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, अब खुद पे जब पड़ेगी ना तो फिर इस नालायक की अकल ठिकाने आएगी। नवाब साहब, सब्र रखिए, इस तरह जल्दबाजी में फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम रईस के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जी बिल्कुल लीजिएगा मैडम सर, पूरी कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम रईस के साथ खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, आपका एक गलत कदम थाने पर भारी पड़ सकता है। ये वो FIR का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ, ये आप देख लीजिए। क्या? जी, इसमें लिखा है कि आपके थाना की टीम ने इनके साथ मेंटल टॉर्चर किया है, इनको धमकाया है, इनको डराया है, और आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये काफी डर गए हैं इस बात से। हाँ रईस, तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है।
जय। पुष्पा जी। हे ऊपर वाले, तेरे रंग न्यारे। कभी सोचे नहीं थे कि करिश्मा मैडम का ये रूप भी देखना पड़ेगा ना। मतलब हम तो हमारे बच्चों को करिश्मा सिंह के ईमानदारी के बारे में, उसके निष्ठा पूर्वक काम करने के बारे में हमेशा बताते रहते थे कि अफसर बनना है तो करिश्मा सिंह जैसा बनना, वरना ना बनना। अब हम उनको काम वो दिखाएंगे जा। क्या मतलब? अरे पुष्पा जी, अब भी आप समझ नहीं पा रही। अब तो समझने का कोशिश कीजिए कि कहाँ चल रहा है। क्यों करिश्मा मैडम उस लड़के को इतना सपोर्ट कर रही, क्यों उसके आगे ढाल बन के खड़ी है? क्या लगता है आपको, मतलब उनके थाने को डोनेशन, चीफ गेस्ट का पार्टी और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन वगैरह, ये सब कहा है? रिश्वत बोलते हैं इसको पुष्पा जी, रिश्वत। पता है आपके लिए मानना बहुत कठिन होगा, लेकिन यही सच है। अरे तभी तो उसका इतना फेवर कर रही है मैडम। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेन किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेन कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप का चीज है।